रिकॉर्ड वीडियो में, करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो अभी एक पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने भी ये जो दिवाली दिवाली मनाई है। दिवाली मनाई है, हाँ, यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनके साथ मिलके, उसी हवाले से हम लोग आज आरजू जी की वीडियो देखने वाले हैं। और वो बताएंगे हमें डिटेल में कि एक्चुअली में क्या हुआ, और जो मरियम नवाज है उनका जो भी इंटरव्यू हुआ, ठीक है हाँ, ना। जो भी बात हुई होगी वो इसमें बताएंगे। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। प्लीज वीडियो के अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। कीजिएगा, देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम देख नमस्कार, रही हैं सत आप श्री मेरी अकाल वीडियो? एंड गुड इवनिंग। मैं देखी भी वन है, काजमी और आप हमेशा की तरह, जी हाँ, मेरे चैनल पर हैं और आप देख रहे हैं ये भेजा वीडियो। जी फ्राई। हाँ, जैसा आप देख ही रहे हैं कि आज जी दिवाली है, मेन फेस्टिवल है दिवाली का आज, और कल छोटी दिवाली थी और उस पर भी हमने शोज बड़ी किए थे, और दिवाली। आज भी हम सारा दिन जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे इनवाइट करके रखा है, तो मेरा ख्याल है मैं शो के बाद जो है नॉन स्टॉप डिफरेंट चैनल्स पर आपको दिखाई दूंगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। बाकी तो खैर वो लिंक जो है वो हमारे फ्रेंड्स शेयर कर देंगे भारत से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे काफी टाइम से कि जी आप साड़ी पहन कर आइए, साड़ी पहन कर आइए, तो जी मैं साड़ी में हाजिर हूँ। और दूसरी बात ये कि ये साड़ी मुझे लास्ट ईयर जो है वो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिला था, उसके साथ ये कंगन, गले का नेकलेस, झुमके, बहुत कुछ, और मिठाई तो हर साल ही आती है, तो इस साल भी मिठाई भी मिली है, और वो भी क्यों मैंने बात है सोशल ये मीडिया पर शेयर पाक कर दिया है। इस्लामाबाद में बहरअल्ला से। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन हाई कमीशन का भी, और वैसे भी एक साड़ी और भी मुझे उन्होंने गिफ्ट की है जो अभी तक मैं रख के बैठी हुई हूँ, और अभी तक मैंने उसका ब्लाउज वगैरह नहीं बनवाया, वो भी जल्दी मैं टेलर को दूंगी और उसके बाद वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। लेकिन खैर आज हम दिवाली का सेकेंड डे है और हम बात करेंगे डेफिनेटली दिवाली की भी। सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। और जिनके जो लोग अगर कोई बीमार है या कोई और टेंशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई किसी फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, तो आई विश के वो ठीक हो जाए और आप लोग जो है वो खुश रहें। बहरहाल बात हम करेंगे मरियम नवाज की, जी हाँ, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि वो एक चिट्ठी लिखने लगी हैं, लेटर कहाँ लिखने पे, लगी इंडिया हैं, को? खत लिखने लगी हैं, और सोच रही हैं कि जी पंजाब के जो सीएम इंडिया में उनसे बात की जाए, और जाहिर है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन को लेकर उनसे वो बात करेंगी। लेकिन साथ साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया, बताया जा रहा है तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली हाँ, ये भी ₹15,000 सुना है का जो मैंने। है वो ओ, चेक दिया पंजाब गया है या हुकूमत की कैश तरफ से। दिया गया है, जो समझने हाँ, के एक तरह से हमारे जो ईदी। ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है, और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान हैं। मतलब ये तो एकदम ही कोई आज नई पता खबर है चला जो मरियम नवाज को मिली है, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं हुई, या तो मार्स सही पे रहती बात। हैं या डेफिनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं। जब उनको यही नहीं पता, जो हम लोगों के गले फट गए बोल बोल के, बोल बोल के, ना सिर्फ अपने चैनल पे बल्कि इंडियन चैनल्स पे भी जब जाते हैं और माइनॉरिटीज के इशू उठते हैं, कितनी बार मंदिर तोड़े गए, कितनी बार गुरुद्वारे गिराए गए, कितनी बार चर्च जलाए गए, लेकिन हमारी पंजाब की सीएम जो है उनका कहना ये है कि वो बहुत परेशान हुई है, उनको अचानक से उनको पता लगा है कि जी ऐसा भी होता है, चलें कोई बात नहीं, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, चलें अगर अब आपको पता लग गया है तो मैडम अभी कुछ काम कर लीजिए, अभी कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स उठा लीजिए, कोई पॉलिसीज बना लीजिए जिससे कि जो लोग रह गए हैं हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के या किसी भी दूसरे रिलीजन के, उनके साथ हो जो रहा है, गलत बर्ताव कुछ किया सुधार आ जाता है, जाए जो गलत इसमें। बिहेवियर हमारे यहाँ रहता है, जो इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, तो वो ना किया जाए। जो बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है जबरदस्ती, जैसे मैं कई बार कह चुकी हूँ कि उनके रिलीजन चेंज करवाए जाते हैं, उनकी जबरदस्ती शादियां करवाई जाती हैं, आप अगर उसको रोक पाए तो भी आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि चलें कभी ना कभी तो आपको पता लगा ही, या अभी ये सब कुछ पता लगने के बाद आप यही सोचती रहेंगी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और उसमें ही जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी, यानी कि टाइम पूरा हो जाएगा
और फिर इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा, तो उससे पहले ही कुछ कर लीजिए तो बेहतर होगा। वैसे तो आपको यही देख करके सिर्फ और सिर्फ आपको 1400 फैमिलीज मिली जिनको आप जो है वो दिवाली के मौके पर कुछ गिफ्ट दे पाई, यही देखकर आपको परेशान हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पर 26 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ 1400 फैमिलीज मिली जिनको, या 1400 लोग ऐसे मिले जिनको कि आप हिंदू कम्युनिटी के, जिन्हें आपने दिवाली के मौके पर मिठाई दी या फिर ईदी या जो कह लीजिए जो आपने कैश दिया वो देने के काबिल रही आप। यानी कि इतने कम लोग हैं यहाँ पर कि किसी तरीके से 2000 लोग भी आपको नहीं मिले, और ये खैर बड़े अफसोस की बात है। ऐसा ही हाल कुछ सिंध में है, ऐसा ही हाल आगे दूसरी जो पाकिस्तान की सिटीज है वहां पर भी कुछ इसी किस्म का हाल है। लेकिन खैर मरियम नवाज साहिबा को अगर आज पता लग ही गया है तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जी इन चीजों को सही किया जाए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, हम आपको बता दें कि जी PIA को प्राइवेटाइज कराने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गवर्नमेंट बहुत कह रही है कि जी इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, लेकिन अब हुआ ये है कि कई यही प्राइवेट हुकूमत का है। कंपनीज जो PIA को खरीदने में पहले इंटरेस्टेड थी और या बात की या उन्हें इनवाइट किया गया था, उनमें से किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया है PIA को खरीदने में। अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लेकर बैठी है PIA, और PIA ले लो, PIA ले लो, PIA ले लो कर रही है, लेकिन कोई PIA लेने को तैयार नहीं है। जितनी भी कंपनीज को इनवाइट किया गया था, आज की खबर और अभी तक जब तक मैंने चेक किया आज तक की खबर के मुताबिक उन कंपनीज ने इनकार कर दिया है, और वो थैंक यू वेरी मच कह के समोसे चाय पीकर चले गए, समोसे खाकर चाय पी के चले गए, मतलब आप लोग भी ना पीछे लग जाया करें। मगर खैर PIA का हाल पहले ही खराब था और पहले भी यही लग रहा था कि कोई खास कंपनी जो है वो आगे की तरफ नहीं आएगी, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि हो सकता है सऊदी अरब या फिर UAE या कतर, इनमें से कोई जो है PIA को खरीद ले, लेकिन ऐसा होता हुआ भी हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी उसमें जाहिर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2.2 बिलियन डॉलर के बजाय उन्होंने 2.8 बिलियन डॉलर्स तो जरूर कर दिए हैं, मगर उससे आगे कुछ नहीं। वो पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो भी बताई नहीं गई हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के बाद जो है बिल्कुल डेफिनेटली कतर के दौरे पे पहुंच गए हैं। दोहा में उनकी मीटिंग हुई है और वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और उनको भी शायद इस बात के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है कि कतर भी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन क्या आपने अपनी सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लिए हैं? आज भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के शहर से जो है कोई रशियन नेशनल थे उनको जी किडनैप किया गया है, और ये बात जो है वो सोशल मीडिया की हद तक है, और फॉरेन ऑफिस का कहना ये था कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसे ही ये खबर कंफर्म होगी उसके बाद हम ढूंढेंगे और पता करेंगे कि आखिर वो साहब को ले गए तो कहाँ ले गए। ये तो हाल है पाकिस्तान में। चाइनीज को तो आप जानते ही, जिस तरह से अटैक किया जाता है चाइनीज वर्कर्स को, चाइनीज इंजीनियर्स को, और जो लोग चाइना से पाकिस्तान में काम करने के लिए आते हैं उनका क्या हशर किया जाता है, किस खौफ के माहौल में वो यहाँ पर आते हैं, और अक्सर तो उनमें से हो सकता है भागी जाते हो। तो जब शहबाज शरीफ साहब किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या कुछ भी, तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि अपने यहाँ की सिक्योरिटी का हाल जो है पहले ठीक किया जाए, उसके बाद ही किसी को आप इन्विटेशन दीजिए। क्योंकि कई बार हम चाइना से माफी मांग चुके हैं कि जी आपके वर्कर्स मारे गए, सॉरी, बड़ा अफसोस है। चाइनीज एम्बेसी में प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, प्रेसिडेंट भी जाते हैं, और इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब का एक विजिट चाइना का जो है वो एकदम तैयार है, और वो 4 नवंबर से 7 नवंबर तक चाइना में होंगे। डेफिनेटली चाइना को मनाया जाएगा, चाइना के साथ बात की जाएगी कि जी जो आपके वर्कर्स हम ढाका ठक मारे चले जा रहे हैं उसके ऊपर आप माइंड ना कीजिए, वैसे ही आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2-4 अगर हमने कम कर दिए तो इतना क्या रो रहे हो। लेकिन बात सारी है कि मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो किसी तरह से भी अब पाकिस्तान की कोई बात सुनने के लिए तैयार होगा। उसका एक मेन रीजन तो ये है कि अब उनकी बातचीत हो गई है, दोस्ती हो गई है भारत के साथ, जहां पर अगर उनके लोगों का कोई झगड़ा होता है, कोई टेंशन होती है, या कोई लड़ाई झगड़ा या जंग कह लीजिए, जंग तो खैर अभी तक हुई कोई खास नहीं है 62 के बाद, लेकिन अगर किसी किस्म की झड़प होती है तो वो बॉर्डर पर होती है। ऐसा नहीं होता
कि कभी हमने ये खबर सुनी हो कि भारत में कोई चाइनीज वर्कर गया हो या कोई चाइनीज सिटीजन गया हो और उसको जान से मार दिया गया हो, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी कितनी तो गाइस ये थी आज की जी वीडियो, और ये था मतलब कि अपडेट जो भी थी मरियम नवाज के हवाले से, जो मेन मतलब कि इशू हाँ था, और जी उसी की वजह से हम लोग ऐसे वीडियो देख रहे दिवाली थे। का मौका चल रहा है तो इस यस वजह से जो पीएम सीएम है यहाँ की पंजाब की मरियम पीएम नवाज, कौन है मतलब पीएम शबाशरी। शहबाज शरीफ हैं और सीएम जो है चीफ मिनिस्टर ये मरियम नवाज हैं, तो इनका बता रहे थे कि इन्होंने हिंदू फैमिलीज जो हैं उनको पैसे भी दिए हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली भी मनाई है, मैं मिठाई भी दी है, तो हाँ, ये बड़ा और अफसोस भी किया है। अफसोस भी किया है कि उनके साथ मतलब कि अच्छा मुझे पता सलूक नहीं नहीं। हो रहा, बिहेवियर नहीं हो रहा। ये तो मतलब कि ऐसे ही एक बात है ना कि पता नहीं है, हर किसी को ऐसे पता है बहुत हद तक अगर मतलब बोलते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ देखकर फर्स्ट टाइम ऐसे मैं देख रही हूँ। ऐसे तो जो सिख यहाँ पर रहते हैं उनका तो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं ना कि उनके साथ मिलते हैं, मतलब जो पीएम हो उनकी भी बात हो, लेकिन जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, मैं मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम किसी सीएम को या किसी ऐसे हाँ उनके सांसददान साथ को मिलते हुए देख मिलते रहे हैं, हुए बिल्कुल और उनकी कोई बात सुन उनका रहे हैं। हाँ फेस्टिवल मनाते हुए देख रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इस वजह से मुझे अच्छा लगा है हुकूमती ये चीज़ सतह पे। बहुत ही हाँ और ज्यादा। उनको 50-50 हज़ार का उन्होंने कहा कि 15,000, 15 हज़ार का, 15-15 अच्छा मुझे लगा हजार 50 नहीं है, नहीं 50 उन्होंने कहा है, 15 15 कह रहे, 15 15 15 15 अच्छा 1,000 रुपया दिए मैंने ये हैं। बात मुझे इंस्टा से पता लगी थी, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ हाँ था 15, इसलिए मुझे पता अरे है। चलो हाँ कुछ ना कुछ दिया ही हाँ है। कुछ हाँ भी हो, दिया तो दिया ना, हाँ लेकिन वही चीज है ना, वही मैं बोल रही कि मुझे देख के अच्छा लगा है कि मरियम नवाज ने ये जो स्टेप लिया है, और वही है कि जो हम लोग मतलब के अपने जो लोग होते हैं जो कि मुस्लिम है, उनके लिए भी इतना सोचते हैं, तो अगर वो भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है, यहाँ पर रहते हैं वो लोग, तो उनके लिए भी अगर कुछ अच्छा अच्छा सोचें तो होगा अच्छी बात है ना। और बहुत ही ज्यादा अच्छा अरे लगेगा वाह उनको भी और हमें भी, वाह सबको ही अच्छा लगेगा, और ये अच्छी बात है। जो भी लोग हों, बेशक वो जो भी रिलीजन से होते हैं, लेकिन जब वो किसी मुल्क में रहते हैं ना, तो फिर तो वो उधर उस के मुल्क का होते हैं। हिस्सा ही होते हैं, और हाँ ये मुल्क जितना हमारा है उतना उन लोगों का भी है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, सबके सब लोग। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो थी मरियम नवाज का स्टेप, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। आपकी इस वाले से क्या राय है, प्लीज अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करें ज्यादा जरूर से कीजिएगा ज्यादा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर अगर आप लोगों को हो कि ऐसी कुछ और भी मतलब अच्छी वीडियो जो मिलेगी कि तो फिर सियासी हवाले से बनाएंगे। हो अगर आप लोगों को देखनी है, तो हम लोग लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा और तो बहुत ज्यादा वीडियोस आ ही रही हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होंगी पिछली वीडियो वो भी देखिए जरूर हाँ जाकर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, आप सबको बहुत अच्छी।